नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के संस्थापक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी थे, वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। दोस्तों, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और हिमाचल प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी थे। दोस्तों, उन्हें हिमाचल प्रदेश का संस्थापक भी माना जाता है। उनका जन्म ब्रहठान के पास चनहलग गांव में सिरमौर रियासत में हुआ था। उसके बाद उन्होंने लाहौर में ईसाई कॉलेज में अपना अध्ययन पूरा किया और उसके बाद उन्होंने 1944 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। 1946 में भारत के संविधान सभा गठन के समय उन्होंने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, 24 मार्च 1952 को डॉक्टर यशवंत सिंह जी परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, जब 1956 में हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बना, तो उसमें यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। फिर 1956 से लेकर 1963 तक हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद चलता रहा। फिर जब 1963 में फिर से इलेक्शन हुए, फिर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी हमारे दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। और जब 1956 में क्षेत्रीय परिषद बना, फिर उन्होंने 31 अक्टूबर 1956 को रिज़ाइन दे दिया था। उसके बाद 1963 से लेकर 1970 तक वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। अब हम बात करेंगे उनके परिवार के बारे में। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के 3 बेटे थे, लव परमार, कुश परमार और जितेंद्र सिंह परमार, जो पाम परमार से शादी की थी, और 2 बच्चे शिव परमार और इमानी परमार थे। अब हम बात करेंगे उनके सम्मान की। दोस्तों, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में 1985 में स्थापित उनके नाम पर किया है। अब हम बात करेंगे उनकी आलोचना के बारे में। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अपनी पार्टी पुरुषों से कड़ा विरोध मिला है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के अध्यक्ष कुनज बिहारी लाल बुटेल जैसे नेताओं ने, जो कांगड़ा के थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विलय कर क्षेत्रों विलय करने के समय उन पर क्षेत्रों के प्रति काफ़ी मतभेद लगाया था। तो दोस्तों, ये वीडियो थी हमारी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्हें हिमाचल प्रदेश का संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों, जब हमारा 1956 में स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पास हुआ,
तो उस समय हिमाचल प्रदेश की रियासतों का पंजाब में विलय हो रहा था, तो वह भी डॉक्टर यशवंत सिंह जी के एफर्ट के कारण हमारा हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व बना रहा। दोस्तों, यही कारण है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश का संस्थापक कहा जाता है। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।